रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको यम्मी और चीज़ी पास्ता बनाना सिखाएंगे। ये एक पैकेट पास्ता है जिसमें 500 ग्राम होते हैं। ये इसको मैंने बॉईल करके इसमें से पानी निकाल कर एक तरफ रख दिया है और ये दूसरी तरफ मेरे पास तकरीबन हाफ केजी चिकन का कीमा है। इसमें ऑयल डालकर मैं इसको पकाऊँगी जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। अच्छा, ये देखिए व्यूअर्स, इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसमें तकरीबन एक भर की छोटी वाली चम्मच टीस्पून हम ये डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। डालने के बाद हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे। अब अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट डाल दें। इसके बाद इसे भूनेंगे अच्छे से इसको। भूनने के बाद इसमें हम लोग कैप्सिकम डाल देंगे। ये शिमला मिर्च है और ये लाल शिमला मिर्च है जिसे बेल पेपर भी कहते हैं। ये मैंने दोनों लिए। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक ग्रीन कैप्सिकम भी ले सकते हैं। ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये करने के बाद हम इसे अच्छे से भून कर और इसका पानी एकदम ड्राई कर देंगे और इसको एकदम खुश्क कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हमने इस देगची में तकरीबन 3 चम्मच मैंने बटर लिया है और इसको मैंने चूल्हा जलाकर जिसे ये बटर मेल्ट हो रहा है। ये जब तक बटर भी मेल्ट हो रहा है इसके साथ ही मैंने ये 3 चम्मच मैदा लिया है और ये मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद इसे मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी ताकि बटर भी सही मेल्ट हो जाए और मैदा भी इसमें अच्छी तरीके से भून कर एक इसमें अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। अच्छा देखिए, ये मैंने अच्छे से इसको भून लिया और इसमें से एक अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं तकरीबन 1 कप इसके अंदर ये मिल्क डाल दूँगी और मिल्क डालते डालते मैं इसको अच्छे से हिलाऊँगी ताकि मैदे की अंदर गुठलियाँ ना बने। इसको तकरीबन उस वक्त तक हिलाना पड़ेगा जब तक ये आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, ये तकरीबन गाढ़ी हो गई है। हमें इतनी ही इसको गाढ़ी करनी है। इसके बाद हम तकरीबन 1 छोटी चम्मच इसमें वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च डाल देंगे। सफ़ेद मिर्च डालने के बाद हम जायके के हिसाब से इसमें सॉल्ट डाल देंगे। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस टाइम पे अब कितनी गाढ़ी होने के बाद हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। और ये देखिए, हमारी ये चिकन भी तैयार है। ये इतनी ड्राई है, बस अब इसमें ये जो नज़र आ रहा है ये इसका अपना ऑयल है और ये बस इतनी ड्राई होनी चाहिए। ये भी हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच, या तो आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप पिज़्ज़ा सॉस डाल दें, अगर पास्ता सॉस है तो आप इसमें पास्ता सॉस डाल दें 2 चम्मच भर के और इस सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें व्यूअर्स, हमारी सॉस भी तैयार है और ये हमारा जो बॉइल्ड पास्ता है ये हम पूरा इस सॉस में डाल देंगे। इसीलिए मैंने ये बड़ा सा पतीला लिया था क्योंकि ये सबको हमें मिक्स करना है। ये करने के बाद हमारी जो चिकन रेडी है वो भी हम इसमें डाल देंगे। पूरी चिकन भी इसके अंदर चली जाएगी और अब हमें हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमें जिस ट्रे में बेक करना है उसमें डालेंगे और फिर इसको बेक करेंगे। अब हम पहले इसको अच्छे से इसी देगची के अंदर मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, इसको मैंने मिलाने के बाद इसमें ट्रे में डाल दिया है जिसमें मुझे बेक करना है। अब इसके बाद मैं ये चेडर चीज़ है ये तकरीबन आधा मैं इसको डाल के अच्छे से ऊपर इसको इतना डालूंगी कि ये पूरी ट्रे से चेडर चीज़ से कवर हो जाए। इसके बाद थोड़ा हम मोज़रेला चीज़ भी यूज़ करेंगे और इसको अच्छे से इसके बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए हम लोग बेक कर लेंगे। व्यूअर्स देखेंगे, हमने चैटर डालने के बाद अब इसमें हम मोज़रेला डाल देंगे ताकि इसका अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाए और
ये खाने में भी चैडर और मोज़रेला के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा पास्ता सॉस या पिज़्ज़ा सॉस जो भी आपके पास है इस पर थोड़ा सा ही अब डाल के इसको अच्छे से गार्निश कर लें। ओके व्यूअर्स, ये देखें अब मैं आपको 15 मिनट के बाद जब ये बेक हो जाएगा ओवन के अंदर फिर मैं आपको इसका लास्ट लुक दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है और मैं आपको निकाल के भी बताऊंगी कि ये खाने में भी कैसा लगता है। ओके देखें व्यूअर्स, ये हमने बेक कर लिया और ये तैयार अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसको इस तरह से निकाल कर, ये एकदम चीज़ी भी है और ओके अब मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।